Hey guys, welcome back to our channel. दोस्तों फिर से लेकर आ चुका हूं आपसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक विंजो यूजर हो, अगर आप यहाँ गेम्स को प्ले करते हो विंजो प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पे लॉट्स ऑफ मनी विन करते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक एड देखने को मिल रहा होगा सभी विंजो यूजर को, जो कि रहने वाला है नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो गाइस इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, इस इशू को कैसे आपको सॉल्व करना है, पूरा मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ ये एरर क्यों आपके सामने देखने को मिल रहा है आपके अपने एप्लीकेशन में, वो भी बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज इस रूम आप एंड तक बने रहे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाम जान लीजिए, मैं हूं निकेत झा और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्चुअल में होता क्यों है, आता क्यों है। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे विंजो एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको सर्वर डाउन के कारण ऐसा पॉसिबल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन में ऐसे ही इशू आते हैं जब यहाँ पे न्यू अपडेट आता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे ओल्डर वर्जन विंजो एप्लीकेशन को यूज करते होंगे लगातार लास्ट 6 मंथ से 7 मंथ से, तो ऐसा में होता क्या है, जो भी लास्ट अपडेटेड वर्जन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसका कनेक्टिविटी हटा दिया जाता है, और जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें सब कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स के साथ साथ न्यू एप्लीकेशन में ऑप्शन देखने को मिलता है, ताकि सभी यूजर सही टाइम पर ऑनलाइन प्ले कर सके और सक्सेसफुली प्ले करके विन कर सके। तो गाइस इस समय क्या होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसी में सही कनेक्टिविटी रहता है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे यूजर्स ऐसे फीडबैक शेयर करते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी के कारण, लो कनेक्टिविटी के कारण हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं गेम से, तभी यहाँ पे विंडो एप्लीकेशन फाइनली यहाँ पे अपडेट लाते रहते हैं, ओल्डर वर्जन को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। ये पहला रीजन तो ये हो जाता है। सेकंड रीजन ये होता है कि यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे सर्वर लोड हो जाते हैं, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे प्ले करने लग जाते हैं और इनका जो सर्वर होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो गाइस यही दो रीजन होता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको विंडो एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च आउट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना अपने ऐप इन्फो में, कुछ इस इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन परमिशन स्टोरेज एंड कैचे इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे ऐप इन्फो में नहीं आ पा रहे हो, तो गाइस सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च आउट कर लेना है विंजो। आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं ऐप इन्फो में। अगर आप यहाँ पे होम इंटरफेस पे विंजो एप्लीकेशन में लॉन्ग प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ डायरेक्ट भी आ सकते हो इस सेक्शन में। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपल स्टोरेज एंड कैचे पे टैप करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्लियर स्टोरेज एंड क्लियर कैचे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस सिंपल आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है और ओके पे टैप कर देना है। यहाँ पे करते ही आपका जो भी स्टोरेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो भी ऐप का स्टोरेज होता है सिंपली वही रहता है, पूरा यहाँ पे यूजर का जो भी डिटेल होता है वो फिनिश हो जाता है, मतलब जो भी आपने लॉग इन करा होगा, जो भी अकाउंट को लॉग इन कर रखा होगा वो बिल्कुल ही प्योर लॉग आउट हो जाता है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे विंडो एप्लीकेशन दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से बिल्कुल न्यू अपडेटेड एप्लीकेशन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे विंडो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं कोई सा भी गेम्स को प्ले करके विन कर सकता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व ना हो यहाँ पे ये ट्रिक को अप्लाई करने के बाद भी, तब आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या पड़ेगा, आपको चले जाना गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च आउट कर लेना है विंजो एप्लीकेशन। जो भी लेटेस्ट वर्जन का एप्लीकेशन होगा आपको टॉप में लिंक देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको पे जाना है और जाने के बाद इंस्टॉल कर लेना है और लॉग इन कर लेना है। डेफिनेटली उसके बाद 110% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला ये प्रॉब्लम एरर सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस कुछ यही रीजन था विंजो नो इंटरनेट कनेक्टिविटी का, कुछ इसी तरीके से आपको इस एरर को सॉल्व करना है। सो गाइस आई होप आपको अच्छी लगी हो, इसरो से मत मिलियो, इसरो जानकारी मिलियो तो गाइस प्लीज इसरो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।